ज़िला चित्राल में वाक़िया कैलाश का इलाका तीन वादियों पर मुश्तमिल है। इन वादियों को वादी बरीर, वादी रंभोर और वादी भमरेत कहा जाता है। कैलाश मज़हब पर तहकीक होने के बावजूद बहुत कम सबूत मिल सके हैं, जिनकी वजह से अब तक ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये लोग कहाँ से आए, कैसे यहाँ पर बसे और उनका मज़हब और उसकी बुनियादी रसूमात और अकायद क्या क्या हैं। बैनुल अक्वामी मदद के साथ वादिये रंभोर में कैलाश लोगों पर और उनकी सकाफत पर मुश्तमिल एक म्यूज़ियम बनाया गया है। इस म्यूज़ियम में उनके ज़ेर इस्तेमाल अशिया, उनका रहन सहन, सकाफत, रस्म व रवाज और मुख्तलिफ चीज़ों पर अशिया रखी गई हैं, जिससे पता चलता है कि ये मज़हब और उसके पैरोकार हज़ारों साल पुराने हैं। चंद शवाहिद ये बताते हैं कि ये लोग सिकंदर आज़म के साथ यूनान से बरेसगीर आए थे और उनमें से कुछ यहाँ रिहाइश पज़ीर हो गए, जिन्होंने बाद अज़ां चित्राल के पूरे इलाके पर हुकूमत की और फिर ये हुकूमत मुसलमानों के हाथ आ गई। बहरहाल कैलाशियों का मज़हब और उनके रस्म व रवाज बहुत पुराने हैं, जिन पर वो अब तक कायम हैं। कुछ अरसा कबल तक कैलाश लोग अपने मुर्दे को एक ताबूत में कब्रिस्तान में छोड़ आते थे, जो बाद अज़ां गल सड़ कर वहीं पर हड्डियों का ढेर बन जाता था। लेकिन हालिया चंद सालों से उन्होंने अपने मुर्दों को दफनाना शुरू कर दिया है। वादी कैलाश में यानी छोटी वादियों जो रंभोर, बरीर और भमरेत पर मुश्तमिल है, अब भी तकरीबन 40,000 लोग रिहाइश पज़ीर हैं। कैलाश मज़हब रखने वाले, जिन्हें काफिर कहा जाता है और इसी मुनासिबत से इस पूरे इलाके को काफ्रिस्तान कहा जाता है, इन लोगों में से अब काफ़ी तादाद में लोग मुसलमान हो चुके हैं, जिन्हें शेख कहा जाता है। कैलाशी लोग जो अपने मज़हब पर सख्ती से कारबंद होते हैं, वो इन मुसलमानों से कता ताल्लुक कर लेते हैं और अपने रसूम और रवाज में किसी तरह भी उनको शामिल नहीं होने देते। तारीखी तौर पर ये कबाइल तकरीबन 5,000 साल पुराने हैं। कैलाशी लड़के और लड़कियां अब पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा भमरेत, रंभोर और बरीर में अच्छे अच्छे स्कूल्स और गवर्नमेंट की सतह पर हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी बनाए गए हैं। इन वादियों के साथ ही नूरिस्तान का इलाका वाकया है, जो कि अफगानिस्तान में है। ये कदीम कब्रिस्तान है कैलाश लोगों का, और यहाँ पे उनको
ला के रखा करते थे, जैसे मैंने बताया आपको कि आप वो दफनाते हैं और उनकी हड्डियाँ यहाँ पे कुछ थोड़ी सी आपको नज़र आई होंगी, वो आपको दिखाई हैं। लेकिन अब शायद यहाँ पे ये रिवाज ख़त्म हो गया और शायद कुछ अरसे के बाद ये कब्रिस्तान भी यहाँ पर मौजूद ना हो। काफ़ी ऊंचे और काफ़ी पुराने दरख्त, ये देखें आप कितना ऊंचा दरख्त है ये। जी बहुत ऊंचे हैं और बहुत ही बड़े दरख्त हैं। कैलाशी लोग साल में दो बड़े त्यौहार मनाते हैं जिन्हें चोयमस और चरमजोशी कहा जाता है। ये इलाका बहुत ही ज़रखेज़ है और कैलाश के कबाइल जहाँ पे रहते हैं उससे थोड़ा ऊपर अफगान मुसलमानों की बस्ती है जो किसी ज़माने में मेहतर चित्राल ने यहाँ आकर बसाए थे। चिलम जोशी का फेस्टिवल हर साल मई के महीने में मनाया जाता है जबकि चोयमस हर साल दिसंबर में मनाया जाता है।